बहुत पुराने समय की बात है, रामपुर नाम का एक बहुत ही हरा भरा गांव हुआ करता था। लेकिन उस गांव में सब अशिक्षित थे। वो गांव तो बहुत बड़ा था, लेकिन उस गांव में कोई बाहरी इंसान जल्दी आता जाता नहीं था। इसीलिए कोई कारोबार भी वहां ज्यादा नहीं था। सब खेती किसानी करके ही अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में मुकेश का भी एक परिवार रहता था और उसी गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। अरे मुकेश, क्या हाल चाल है? अरे आओ आओ मोहनलाल चाचा, आओ बैठो। हमारे हालचाल तो बहुत बढ़िया है, तुम अपने हालचाल बताओ। हमारे हालचाल भी बहुत बढ़िया है मुकेश। आज खाने में क्या बनाए हो? सब कुछ है खाने में। आलू की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, कढ़ाई पनीर, छोले भटूरे, पूरी सब्जी, देसी रोटी। तो बताओ क्या लगा दूं? तुम्हारे हाथ की आलू मटर की सब्जी हमको बहुत पसंद है भाई मुकेश, तुम एक प्लेट आलू मटर लगा दो। ठीक है चाचा, अभी लगाता हूँ। मुकेश ने मोहनलाल चाचा के लिए एक प्लेट खाना लगा दिया। उन्हें खाना खाकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुकेश के हाथों में एक अलग जादू था। देखते ही देखते उसके ढाबे पर और भी लोग आ गए। रात को वो अपने घर थोड़ी देर से पहुंचा। आज आपने आने में बहुत देर कर दी, कोई बात हो गई थी क्या, या कहीं दारू पीने चले गए थे? हमको तो लगता है कि पापा पक्का गांव के अपने दोस्तों के साथ दारू पीने लगे होंगे। तो चुप कर गोलू, क्या मेरे मुंह से दारू की महक आ रही है? सूंघ के देख लो, मैंने कोई दारू नहीं पी, मैं तुम लोगों के लिए उपहार लेकर आया हूँ। मीना और गोलू उपहार पाकर बहुत खुश हुए। क्या बात है, लगता है आज कमाई कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई। हाँ मीना, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है, इसीलिए गांव में बहुत सारे घरों में लोगों के रिश्तेदार आए हुए हैं, और इस गांव में सिर्फ मेरा ही एक ढाबा है। मेरा खाना सभी को बहुत पसंद है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने रिश्तेदारों को लेकर मेरे ही ढाबे पर आ गए। आएंगे क्यों नहीं, एक तो आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और वो भी इतना सस्ता। भला आज के जमाने में 40 रुपए में भरपेट खाना कौन खिलाता है? अब क्या करूं मीना, ये सारे गांव वाले अपने तो हैं, पूरा गांव अपना परिवार है। बस मेरा नुकसान ना हो, इतने ही पैसे मैं उनसे ले लेता हूं और खाना खिला देता हूं। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। मुकेश का ढाबा बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक रोज हुआ कुछ ऐसा कि गांव में बारिश ही नहीं हुई और गांव में सभी की फसलें बर्बाद हो गईं। क्या बताऊं मुकेश, पूरे साल की मेहनत बर्बाद चली गई। कल्लू, हम लोगों की परेशानी कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ एक खेती ही तो हमारा सहारा था, उसी के सहारे हमारा पेट पलता था, उसी के सहारे हम कपड़े पहनते थे। पर अब पता नहीं अगले साल के लिए हम लोग फसल उगा भी पाएंगे या नहीं। आप लोग परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे मुकेश, क्या ठीक हो जाएगा, गांव में सभी की फसलें बर्बाद हुई हैं। अब तो कोई एक दूसरे की भी मदद नहीं कर सकता, ऊपर वाला क्या कर लेगा। अब अगर बारिश हो भी गई तो हमारी फसलें तो खराब ही हो गई ना। एक किसान की उम्मीदें सिर्फ उसके खेतों से ही रहती हैं, वो भी बर्बाद हो गई। मुकेश भी खेती किसानी करके जो फसलें होती थी उन्हीं अनाज से अपना ढाबा चलाता था। धीरे धीरे गांव वालों के पास खाने तक के भी पैसे नहीं बचे। आप लोग चिंता मत कीजिए, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक आप लोग मेरे ढाबे पर ही खाना खाएंगे, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम हमारे लिए नुकसान क्यों उठाओगे? अरे नहीं नहीं चाचा, आप सब मेरा परिवार है, अगर मैं कुछ आप लोगों की मदद कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। आज से आप सभी लोग मेरे ढाबे पर ही खाना खाएंगे। अब किसी के घर में खाने के लिए ना अनाज बचा था ना ही ज्यादा पैसे, इसलिए मजबूरी में मोहन के ढाबे पर खाना खाने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव वाले मुकेश से चिढ़ने लगे। गांव वालों, तुम सबने एक बात नोटिस करी, जब से हमारे गांव में खाने का अकाल पड़ा है तब से मुकेश को कुछ ज्यादा ही फायदा हो गया। भले ही वो 20 रुपए में खाना देता है, लेकिन इस गांव के हजारों लोग सुबह दोपहर शाम सिर्फ उसी के यहाँ खाना खाते हैं। चाचा, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। तब तो ये मुकेश महीने के लाखों छापता होगा। जब हम सबकी फसल बर्बाद हो गई तो ये मुकेश फिर हम सबको खाना आखिर खिला कहाँ से रहा है। गांव वालों की ये सब बातें मुकेश ने सुन ली। उसने सारी बात जाकर अपनी पत्नी मीना को बताई। लोगों का तो यही फितूर है, किसी के लिए कितना भी कर दो कोई ना कोई कमी वो निकाल ही लेते हैं। लेकिन मीना, मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ कि गांव वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं तो परेशान इस वजह से हूँ कि अब तो हमारे पास भी अनाज नहीं बचा। अब हम गांव वालों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? 20 रुपए में हम खाना खिलाते थे जिसमें मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अब तो हमारे पास भी पैसे नहीं बचे। पापा, इसका मतलब आप अपनी जेब से पैसा खर्चा करके पूरे गांव को खाना खिला रहे थे और ये गांव वाले आपको गलत ठहरा रहे थे? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही समझ लो। इस तरह कुछ दिनों बाद मुकेश के ढाबे पर भी खाना खत्म हो गया। फिर एक रात मुकेश करीब आधी रात में गांव के ही एक मंदिर में गया। हे ऊपर वाले, कुछ चमत्कार कर दे वरना इस गांव का नामो निशान मिट जाएगा, सब मर जाएंगे। जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने किया, अब सब कुछ आपके हवाले है। तभी मुकेश को भगवान ने दर्शन दिए। तुमने इस पूरे गांव की हमेशा ही रक्षा की है, उनकी सेवा की है। आज जब पूरा गांव और तुम्हारा खुद का परिवार भूखा मरने लगा, तब मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ये लो 1 रुपए का सिक्का, इसे तुम अपने ढाबे में रखना। इससे तुम्हारे ढाबे में कभी भी खाना और अनाज खत्म नहीं होगा। सबको जी भर के खाना खिलाओ और मैं आशीर्वाद देता हूँ
कि अगले सीजन में पूरे गांव की फसल बहुत अच्छी होगी। अगली सुबह मुकेश ने अपना ढाबा एक बार फिर से खोल लिया। जैसे ही सबने देखा कि ढाबा खुल चुका है, सब उसकी तरफ देखने लगे। मुकेश ने देखा तो ढाबे में ढेर सारा खाना पहले से ही तैयार रखा था। मुकेश ने सभी गांव वालों को मुफ्त में खाना खिलाया। करीब 6 महीने तक वो गांव वालों को फ्री में खाना खिलाता रहा। मुकेश बेटा, अगर आज तू हम सबको खाना न खिलाता तो ये पूरा गांव मर चुका होता। हमने तुझ पर शक किया, लेकिन तेरी ही वजह से आज हम जिंदा हैं। चिंता मत कीजिए, हम सब एक परिवार हैं और परिवार में लोग एक दूसरे पर शक भी करते ही हैं। कुछ महीनों बाद अगला सीजन आ गया और झमाझम बारिश हुई। सबने खेती किसानी की और सभी के खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। मुकेश, अब हम सबकी फसलें तैयार हो चुकी हैं, इसीलिए अब तू हम सभी को मुफ्त में खाना खिलाना छोड़ दे, वरना एक दिन तू सड़क पर आ जाएगा। अरे चाचा, तुम काहे चिंता करते हो, मेरे साथ ऊपर वाला है, और जब तक मेरे साथ ऊपर वाला है तब तक ना ही मुझे कुछ होगा और ना ही मेरे पूरे गांव को। मुकेश भैया, अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो हम लोग तुम्हारे ढाबे पर खाना नहीं खाएंगे। चलो ठीक है, हम खाने के पैसे लेंगे, लेकिन आप सभी को मेरी कसम है कि जितने रुपए मैं खाने के लूं उतने ही रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है भैया, जितने रुपए में भी तुम थाली लगाओगे उतने रुपए थाली हम लेंगे। अब मुकेश ने फ्री में खाना खिलाना छोड़ दिया और ढाबे के बाहर लिख दिया 1 रुपए में भर पेट खाना। अरे मुकेश भैया, तो 1 रुपए में खाना खिला रहे, मुकेश भैया तो हमारे गांव के लिए भगवान से कम नहीं है। मुकेश के ढाबे में खाना कभी कम पड़ता ही नहीं था, इसलिए हजारों लोग रोज उसके ढाबे में ही खाना खाते थे, जिससे वो हजारों रुपए हर दिन कमा लेता था, जबकि वो खाना सिर्फ 1 रुपए में ही बेचता था। राशि की शादी जानकी के बेटे अमन से होती है। ब्याह कर वो अपने गरीब ससुराल आ जाती है। राशि बहू, शादी ब्याह की भाग दौड़ में तू थक गई होगी ना, अब जा, आज रात तू निश्चिंत होकर आराम कर ले, क्योंकि असल मायने में ससुराल का सफर तो कल की तेरी पहली रसोई से ही शुरू होगा। खाने के नाम भर से ही राशि खौफ से भर जाती है और मन ही मन सोचती है, सासू माँ के मन में अपनी बहू के हाथ की रसोई खाने का कितना मन है, लेकिन तब क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। फिर राशि अपने पति अमन के साथ कमरे में आ जाती है। कमरे की हालत बहुत टूटी फूटी थी और जमीन पर एक फटी हुई पुरानी चटाई बिछी हुई होती है। तभी अमन हिचकिचाते हुए कहता है, तुम तो जानती हो ना राशि, रोजी रोटी चलाने के लिए मैं रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन फिर भी सारा दिन रिक्शा चलाकर मुश्किल से रोजी रोटी का गुजारा हो पाए, बस इतना ही कमा पाता हूँ। इसीलिए आज भी मेरा घर मिट्टी का ही है और मैं यहीं सोता हूँ इस चटाई पर। आपने मुझ जैसी लड़की को अपनाया जिसे हर कोई जले हुए हाथ होने के कारण ठुकरा देते थे, लेकिन मेरी इस कमी के कारण भी आपने मुझे अपनाया, यही मेरे लिए काफी है। अब आपके साथ तो मैं रूखा सूखा खाकर भी रह लूंगी। इतना कहने के बाद फिर राशि और अमन उस चटाई पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह घर की साफ सफाई करके राशि नहाने के बाद पूजा पाठ करके रसोई में जाती है, जहां उसकी सास रसोई में आती है। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू तब तक मीठे में हलवा बना देना, और आंगन में घी की बेल लगी है, उसमें से घिया तोड़कर उसकी सब्जी और साथ में रोटी बना देना। ये कहकर जानकी देवी मंदिर चली जाती है। ओफो, अब क्या होगा, अब तो माँ जी मुझे घर से चलता कर देंगी। चल बेटा राशि, हो जा शुरू। माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर राशि रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी उसके दोनों हाथ बिना रुके खुद पर खुद खाना बनाने लग जाते हैं। हाँ, ये चमत्कार, कैसे मेरे हाथ खुद ब खुद खाना कैसे बना पा रहे हैं, जबकि मुझे तो जरा भी इल्म नहीं कि आखिर क्या सामान कितना डालना है। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और उसके हाथ खुद ब खुद रुक जाते हैं। फिर जानकी भी मंदिर से लौट आती है। राशि झट से अपनी सास और पति के लिए खाना परोसती है। अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो क्या जादू है, तूने तो आज मन खुश कर दिया। सच में राशि, ऐसा लग रहा मानो तुम्हारे हाथों में माँ अन्नपूर्णा विराजमान हो। क्या जादू है तुम्हारे हाथों में। अब मैं इनको कैसे बताऊं कि जिन हाथों ने ये खाना बनाया है वो तो मेरे बस में ही नहीं थे। अमन काम पर चला जाता है और इधर राशि अपने कमरे में बैठे बैठे अपने जले हुए हाथों को ही निहारी जा रही थी और यही सोच रही थी कि आखिर वो चमत्कार हुआ कैसे। तभी एक तेज रोशनी प्रकट होती है और राशि की मरी हुई माँ उसके सामने प्रकट होती है। माँ, माँ तुम, अच्छा हुआ जो आप मेरे सामने आ गई। माँ ना जाने आज मेरे हाथों को क्या हो गया, आज ये खुद पर खुद ही खाना बना रहे थे, जबकि आपको तो अच्छे से पता है आपके जाने के बाद सारा घर रजनी दीदी ने ही संभाल लिया था, और जब मैंने कोशिश की तो मेरे ये दोनों हाथ जल गए, तब से दीदी ने मुझे रसोई में कभी कदम ही नहीं रखने दिया। वही राज मैं तुम्हें बताने आई हूँ बेटी,
दरअसल हमारे घर की बेटियों को पुरखों के समय से एक वरदान मिला था। कैसा वरदान माँ? तुम्हारी दादी परदादी माँ अन्नपूर्णा का रोज ध्यान करती थी और वो हर महीने की पूर्णिमा को भूखे भिखारियों को खाना खिलाते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ अन्नपूर्णा ने ये वरदान दिया था कि जब भी हमारे घर की बेटियों की शादी होगी तो उनकी शादी के बाद उनके दोनों हाथ जादुई हो जाएंगे और ये कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अब इनका जितना चाहो इस्तेमाल करो। अलविदा बेटी। ये सुनकर राशि बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद से राशि अपने उन जादुई हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाती और जो चाहे मांग लेती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अमन को पिछले कुछ दिनों से कुछ भी काम नहीं मिल रहा था, जिस कारण अब उनके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, अब घर कैसे चलेगा? काम मिल नहीं रहा और घर में अन्न का दाना तक नहीं है। तभी राशि वहाँ आती है और उन खाली डिब्बों के पास जाती है और उन पर हाथ रख कर कहती है, मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी ये सारे खाली डिब्बे राशन से भर जाएं। राशि के इतना बोलते ही उसके हाथों से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और सारे डिब्बे अपने आप भर जाते हैं। ये चमत्कार देख सभी हैरान थे। राशि बहू, मैंने सुना था कि बहू अपने ससुराल में लक्ष्मी होती है, लेकिन मेरी बहू तो जादुई हाथों वाली लक्ष्मी बहू है। एक रोज राशि जानकी के साथ बाजार जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी खाट पर पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा होता है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ जी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बहू, तू तो जानती है ना उसे कोढ़ है और ये छूने से फैलता है। लेकिन हम उसे यूँ तड़पते हुए भी तो नहीं देख सकते ना। राशि उस आदमी के पास जाती है और उसके घाव पर हाथ रख कर कहती है, मैं चाहती हूँ कि इस कोढ़ी का हर घाव भर जाए और इसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। कुछ ही देर में वो कोढ़ी आदमी पूरी तरह ठीक हो जाता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे हाथों में जादू है, भगवान करे तुम्हारे हाथों की शक्तियाँ और बढ़ जाए और तुम इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करती रहो, साथ ही तुम्हारे भी सभी दुख दर्द दूर हो जाए। उस दिन के बाद से राशि के जले हुए हाथ भी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, साथ ही राशि के हाथों की शक्तियाँ और भी बढ़ जाती हैं। अब तो वो मिट्टी को भी हाथ लगा देती तो वो भी सोना बन जाती, जिससे अब वो काफी अमीर हो गए। साथ ही उसके नाम के चर्चे अब दूर दूर के गाँव तक फैल गए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।